और ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 वो है हमारे तुंगनाथ महादेव, जहां हमें जाना है। सी लेवल से हम 12,000 फीट ऊपर है। ये दिखने में बड़ा आसान है लेकिन हर 5-6 कदम चलने के बाद सांस फूल जाती है। तो हम आ चुके हैं चंद्रशिला पे, आप मेरे पीछे देख सकते हो। देखो देखो दोस्तों, जैसे जैसे सनसेट हो रहा है और चंद्रशिला ट्रैक पर चांद ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। जीवन एक यात्रा है तो मंजिल ईश्वर। आज का मेरा सफर शुरू होता है चौपटा से तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों के बीच भगवान शिव का मंदिर है। तो हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ महादेव जाने के लिए चौपटा, और यहाँ से स्टार्ट होती है तुंगनाथ महादेव का ट्रैक। तो चलिए आपको दिखाते हैं महादेव के दर्शन। हर महादेव। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी यात्रा, और ये है हमारे भैया जो गरम गरम चाय पिलाएंगे आते समय हमें। तो कर दिया हमने चढ़ाई स्टार्ट, बहुत ही शानदार चढ़ाई होने वाली है। बहुत प्यारा ट्रैक है सुना है, और आज देखते हैं तुंगनाथ महादेव का मंदिर। और मंदिर चढ़ने से पहले बीच में आता है एक बहुत प्यारा मंदिर जो कि है जय श्री तुंगनाथ बाबा के नाम पर। हर महादेव। तो जैसे ही आप लोग तुंगनाथ के ट्रैक पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं, मुश्किल से 50-100 मीटर पर आपको दिखेंगे हमारे आर्मी के जवान, जो यहाँ पर जो तुंगनाथ ऊपर जाने का जो परमिट है उसकी फीस लेते हैं, प्लस बैग चेक कराना होता है जिसमें प्लास्टिक के जो बॉटल्स वगैरह होती है वो रिक्वेस्टेड है कि ऊपर ना फेंके। केवल मनोरंजन और मेमोरीज के लिए यात्रा करने वाला मेरा मन कब आध्यात्मिक प्रेम की ओर खिंच गया पता ही नहीं चला। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर आए लेकिन सांस फूलने लगी है। थोड़ा सा ऊपर चढ़कर आने पर हमें दिखता है हमारे पीछे, इनको बोलते हैं उत्तराखंड में बुग्याल, जैसे अपने गार्डन बोलते हैं। आप देखो कितना बड़ा गार्डन है बुग्याल, और ऐसे काफी सारे बुग्याल यहाँ पर है धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाने पर। मंदिर के ट्रैक के बीच में आपको बांस व बुरांश के जंगल पार करने होंगे। धार्मिक यात्रा के मिश्रण के साथ आपको हिमालय की पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी हवा, कई प्रकार के रंग बिरंगे फूल, मखमली घास देखने को मिलेगी जो इस मनोहर सफर को और सुहाना बना देती है। ये मेरे सामने है चंद्रशिला का पौराणिक महत्व, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। पूरा का पूरा ट्रैक यहाँ से बना हुआ है, लेकिन जो तुंगनाथ से जो चंद्रशिला का रास्ता है वहाँ पर इस तरह का ट्रैक नहीं है। अभी बिल्कुल आप देख सकते हो प्लेन रोड टाइप बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल रॉ है, जो मैं आपको अभी चलकर ऊपर दिखाता हूँ। बाकी अभी थोड़ा सा चलकर आने में बहुत सांस फूल गई है, और अभी हमने आधा किलोमीटर भी तय नहीं किया है। तो ये पंच केदारों में से एक केदार है तुंगनाथ, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेंपल है। और बताते हैं कि यहाँ दिसंबर से जनवरी के अंदर पूरा ये बर्फ से भर जाता है। आप देखो मेरे पीछे स्नो पीक्स, जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं ये सारे के सारे बर्फ से भर जाएंगे। इवन ये ट्रैक जिस पर हम चलकर आ रहे हैं ये भी बर्फ से भर जाता है। ये ट्रैक बड़ा टेढ़ा है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे चढ़ाई होती जा रही है और सांस फूलती जा रही है। तो हर जगह ऐसे बैठने के पॉइंट बने हुए हैं जहाँ आप बैठ कर अपने आप को नॉर्मल कर सकते हो और अपनी चढ़ाई को वापस स्टार्ट कर सकते हो। चलो हर हर महादेव। रास्ते हमेशा ही सुंदर होते हैं, खूबसूरती हमारे नजरिए से होती है। कुछ यात्राएं रास्तों के लिए की जाती है तो कुछ मंजिलों के लिए। तो ये जो मेरे पीछे वैली है कहीं ना कहीं किसी न किसी केदार से घिरी हुई है, जैसे मेरे जस्ट पीछे केदारनाथ वाली वैली है, और उसके आगे है मध्यमेश्वर, और वहां पर है हमारे चौखंबा पीक। यहाँ से वैली का व्यू देखो, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ रही है ये वैली और सुंदर हो रही है। यात्रा के दौरान दिखने वाला हर दृश्य अद्भुत होता है, तो क्यों ना हर पल को जी भर कर जी लें। कुछ क्षण रुककर इस पल और दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर यादगार बना लें। प्रकृति के पास रहने का एहसास कुछ अलग ही है, जिसकी सुंदरता शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो हम आ गए तुंगनाथ में 2 किलोमीटर चढ़कर, और ये लास्ट चढ़ाई है, लास्ट 1 किलोमीटर बचा है, उसके बाद हम दर्शन करेंगे तुंगनाथ महादेव के। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ इन पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है,
जो बादल मुझे नीचे से काफी दूर लग रहे थे, मानो अब वह मेरे बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बड़ी थोड़ी सी बर्फ जो बिल्कुल जमी हुई है। दिसंबर और जनवरी के बाद से यहाँ पर 5-5 फीट तक बर्फ रहती है, लेकिन अभी आप देखो ये पूरा का पूरा ट्रैक खाली है। अभी बस थोड़ी थोड़ी जगह वहाँ पर बर्फ है जहाँ पर धूप नहीं आ रही है। छोटे से इस बुग्याल के अंदर हमें यहाँ पर हमारी बर्फ दिखी है, तो क्यों ना बर्फ से खेल लिया जाए और अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर लिया जाए। ये बिल्कुल अभी फ्रेश बर्फ गिरी है, देखो। ये रास्ता कुछ बर्फ में से होता हुआ आगे ट्रैक पर मिलता है, तो यहाँ से चलते हैं और बर्फ के भी मजे लेते हैं। रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। ये जो आप यहाँ पर पेड़ देख रहे हो, जस्ट जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, बर्फ के अंदर जब यहाँ पर स्नो गिर जाती है तब इसमें से रेड कलर के फूल निकलते हैं जो इस वैली को और सुंदर बना देते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि इस ट्रैक पर 5-5 फीट बर्फ और सामने रेड कलर के फूल, और सामने जितनी भी पहाड़ियाँ आपको दिख रही है वो पूरी की पूरी स्नो से भर जाती है। तो कंप्लीट करते हैं 1 किलोमीटर की चढ़ाई और आपको कराते हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। वैसे तो जिंदगी का हर पल ही खूबसूरत होता है। हर इंसान का जिंदगी जीने का अपना अपना अंदाज होता है। आज अभी इस जगह पर होना ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। तो आप देखो यहाँ पर अभी कितनी हल्की हल्की सी बर्फ गिरी हुई है, लेकिन ट्रैक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा ट्रैक है। थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन जगह जगह आपको बैठने के लिए चेयर्स मतलब बनी हुई है पत्थर की, उस पर आप बैठ सकते हो और अपने आप को नॉर्मल कर आगे की चढ़ाई कर सकते हो और वैली के व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो चलो चलते हैं आगे, थोड़ा सा बचा है। ऐसे तो दुनिया में हजारों सुंदर जगह है, पर हर इंसान के मन में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहां पर कभी ना कभी जरूर जाना चाहता है। जिस यात्रा की मंजिल पहले से ही तय हो उसका मजा ही अलग है। आज मेरी भी एक कामना पूरी होगी महादेव के चरणों में। यार आपको और क्या चाहिए, घर की बनी हुई गुंजियां और पीछे स्नो पिक्स और आगे तुंगनाथ महादेव का ट्रैक, मजा आ गया मजा। हर हर महादेव। लंबे ट्रैक में अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए रेगुलर ब्रेक्स, पानी और खाने पीने का सामान अपने साथ जरूर रखें। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही कुछ मिला देखने को। मैंने आपको दिखाया था चौखंबा पीक्स और उसके पीछे हमारे केदार की पहाड़ियाँ, और ऑन द काउंट ऑफ 3-2-1 वो है हमारे तुंगनाथ महादेव जहाँ हमें जाना है। नो डाउट बहुत बुरा लग रहा है, रिग्रेट इस बात का है कि पट बंद हो चुके हैं, हमें पहले आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अभी इस बार हम महादेव को बाहर से दर्शन करेंगे, नमन करेंगे और जाएंगे चंद्रशिला। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब महादेव के दर्शन खुलेंगे करने के लिए, शायद मई में, तब यहाँ पर जरूर आएंगे और आपको भी कराएंगे अंदर से महादेव के दर्शन। तो अभी चलते हैं, कुछ 1 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है, महादेव को बाहर से देखते हैं। मंदिर पहुंचने से ठीक पहले ही आपको एक छोटा सा कुंड आकाश कुंड के नाम से नजर आएगा। फाइनली हम आ गए तुंगनाथ महादेव के पूरे मंदिर के वहां तक, और वहां है हमारे पीछे महादेव के दर्शन। चलो आपको भी कराते हैं। तो ये हमारे पीछे तुंगनाथ बाबा, तुंगनाथ महादेव, जिनके अभी पट बंद हो रखे हैं, नवंबर में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है नीचे मठ की तरफ, जो वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेंपल है। अभी नो डाउट पट बंद हो चुके हैं, लेकिन बाहर से अपन दर्शन कर लेते हैं। तो ये हमारे पंच केदारों में से एक केदार तुंगनाथ महादेव, और वहाँ पीछे है उनका मंदिर। मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है। मंदिर के ऊपर एक लकड़ी का चबूतरा बना हुआ है जो चारों ओर से 16 खिड़कियों के माध्यम से खुला हुआ है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर है चंद्रशिला, जहाँ पर बैठकर मेन 360 व्यू भी दिखता है। तो कहा जाता है कि भगवान राम ने भी यहाँ पर ऊपर बैठकर तपस्या की थी। तो अभी जाना है इस
रास्ते को पार करते हुए चंद्रशिला जो तुंगनाथ के वहाँ तक आने की चढ़ाई उससे कई ज़्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ट्रैक नहीं बना हुआ है, पत्थर ही पत्थर है रास्ते में। तो चलो चलते हैं आगे और आपको कराते हैं चंद्रशिला में ऊपर से नेचर के नज़ारे। और आप देखो अभी मुझे वहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे और चंद्रशिला का ट्रैक भी पूरा करेंगे। जो लोग तुंगनाथ मंदिर जाते हैं वे चंद्रशिला पहाड़ी पर भी जरूर जाते हैं। यह तुंगनाथ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है। चंद्रशिला ट्रैक का एक मुख्य आकर्षण चंद्रशिला चोटी से जादुई सूर्योदय देखना है। हिमालयन पीक्स नंदा देवी त्रिशूला और चौखंबा को सुनहरे रंगों से रंगता सूरज, यही मनमोहक दृश्य को देखने के लिए लोग शिखर पर इकट्ठा होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान प्रकाश और छाया का खेल एक मनोरम दृश्य बनाता है। तुंगनाथ से ज़्यादा स्टीप कठिन चढ़ाई है और जो ट्रैक है वो भी पूरा पथरीला है, प्रॉपर ट्रैक नहीं बना हुआ, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा सा आराम करते करते और ऊपर चंद्रशिला की तरफ चलते हैं और मेरे पीछे का व्यू देखिए। राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह देव चंद्रमा से हुआ, पर चंद्रमा का विशेष स्नेह राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी से था। जब अन्य 26 पुत्रियों ने दक्ष से शिकायत की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित रहने का श्राप दिया। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने इसी पहाड़ी पर शिवजी का ध्यान किया और उसी के बाद इस शिला का नाम चंद्रशिला पड़ गया। इतनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पर और वहाँ है ठेठ ऊपर चंद्रशिला। इसको जाने के दो रास्ते हैं, एक है ये पत्थरों वाला रास्ता और एक ये है बुग्याल वाला रास्ता। तो बेसिकली पत्थरों वाला रास्ता कुछ ज़्यादा जिगजैग वाला है और हम कोशिश करेंगे इस बुग्याल वाले रास्ते से ऊपर जाकर, दोनों में चढ़ाई बराबर है, तो इस बुग्याल वाले रास्ते से हम जाएंगे चंद्रशिला की तरफ। ये दिखने में बड़ा आसान है लेकिन हर 5-6 कदम चलने के बाद सांस फूल जाती है, तो आराम करते हुए ऊपर चलेंगे। तो चलो आपको दिखाते हैं चंद्रशिला से यहाँ का व्यू। तो हम आ चुके हैं चंद्रशिला पे, आप मेरे पीछे देख सकते हो चंद्रशिला है, वहाँ पर चलकर अभी दर्शन करते हैं। और आप देखो कहाँ से नीचे से चल के हम आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आराम करना पड़ता है। बाकी आप देखो जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, अभी जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पीछे आप देखिए क्या पहाड़ियाँ हैं, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, बहुत हाइट पर आए हुए। ये मेरे पीछे का व्यू देखो किस तरह से बादल पहाड़ों को छू रहे हैं और वो पीछे हैं स्नो पिक्स, इतने बड़े बड़े पहाड़। अगर आप प्रकृति प्रेमी और पक्षी देखने के शौकीन हैं तो चंद्रशिला आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। यह क्षेत्र कई हिमालयन पक्षियों का घर है। शांत वातावरण, एक्सेलेंट पैनोरमिक व्यू और शांतिपूर्ण पक्षी दर्शन को प्रॉपर जस्टिफाई करती है यह प्लेस। यार लोगों का पैशन लेवल देखो कि ट्रैक के साथ उनको बर्ड को भी कैप्चर करना है और वो भी एक नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी, स्पेसिफिक एक बर्ड। ये काफ़ी टाइम से नीचे बैठे हुए थे और किस्मत थोड़ा सा लकी, भगवान ने साथ इतना दिया कि इन्हें एक नहीं 8 पैटर्न्स देखने को मिली। अभी वो बहुत शोर शराबा हो रहा था तो वो वहाँ से चली गई, तो वापस वेट करते हैं। एक लंबा ट्रैक करने के बाद फाइनली मैं पहुँचता हूँ चंद्रशिला पर। जैसा सोचा था उससे भी अधिक सुंदर था यहाँ का दृश्य, जिसे शब्दों में कहना शायद मुश्किल हो। शिखर के ठीक ऊपर एक साधारण पत्थर का मंदिर देवी गंगा को समर्पित है, जहाँ के दर्शन कर मैं कुछ पल विश्राम करता हूँ प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए। सच मानो यहाँ का व्यू बिल्कुल हिप्नोटाइज कर देने वाला था, जिसे शायद मेरी फोटोग्राफिक स्किल्स जस्टिफाई ना कर पाए। एक अलग ही शांति थी इस जगह पर। हिमालयन पीक्स को निहारते हुए कब 3 घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। वाकई में यहाँ से दिखने वाला दृश्य आपकी सारी थकान दूर कर देता है। आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि पहाड़ों में ट्रैक पर आपको हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ डॉग साथ में चलते हुए दिखते हैं। उसकी कुछ कहानी इस तरह से है कि जो हमारे पांडव थे, जब वो स्वर्ग के द्वार की तरफ जा रहे थे तो ये जो यमराज भगवान थे उन्होंने स्वान का रूप धारण किया था उनको रास्ता दिखाने के लिए और किसी विपत्ति को दूर करने के लिए। तो अभी भी मान्यता कुछ इस तरह से है कि हमेशा ट्रैकिंग पर आपको 1-2 स्वान आपको एंड तक जाते हुए दिखेंगे, जस्ट आपको रास्ता दिखाने के लिए
बोला जाता है कि एज ए यमराज का रूप होते हैं तो किसी विपत्ति से आपको बचाने के लिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है चंद्रशिला। इसकी कहानी कुछ जो सुनने में आई वो कुछ इस तरह से है कि जब राम भगवान थे वो रावण का वध कर वापस अयोध्या गए थे, तो वहाँ जो उनके ऋषि गण थे उन्होंने कहा था, जैसे कि रावण ब्राह्मण थे उच्च कोटि के, तो उन्होंने कहा था कि आपने ब्राह्मण हत्या करी है, तो उस पश्चाताप को पूरा करने के लिए, और उससे महादेव बहुत नाराज हो गए थे उनसे। बोला जाता है कि उन्होंने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी। तो दोस्तों, फाइनली मेरी ड्रीम लिस्ट की जगह पर पहुंचने के बाद की फीलिंग्स को अकेले में शांत बैठकर महसूस करने का पल मैंने पूरी शिद्दत से जिया, और मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फाइनली हमने भी चंद्रशिला सबमिट कर लिया है। ये कुछ 12,000 फीट की ऊंचाई पर हम इस पॉइंट से, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज हवा चल रही थी, अभी नॉर्मल है। कोशिश करेंगे कि सनसेट देखकर जाएं और आपको भी दिखाएं वर्चुअली। बहुत मजा आया यहाँ पर आकर। चढ़ाई नो डाउट बहुत हार्ड है, सी लेवल से हम 12,000 फीट ऊपर हैं, लेकिन यहाँ आना वर्थ हो गया, बहुत अच्छा लगा आकर। तुंगनाथ मंदिर नो डाउट अभी बंद है, लेकिन उसके अलावा चंद्रशिला जगह है, बहुत प्यारी है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सनसेट होने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा सनसेट, लेकिन यहाँ से व्यू इतना प्यारा है, सोचा नहीं था मैंने इस तरह से आज के दिन में मुझे ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। पीछे स्नो पिक्स की पहाड़ियाँ, उनके ऊपर बादल और ठंडी ठंडी हवा, अभी हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। तो दोस्तों, सनसेट हो चुका है, थोड़ी देर में यहाँ पर अंधेरा होने वाला है, लेकिन यहाँ आकर बहुत मजा आया। अब नीचे जाने का टाइम आ गया है, हमें बहुत नीचे की तरफ जाना है। उतरते समय इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरा पीछे का व्यू देखिए, और ये है चंद्रशिला ट्रैक का गंगा धाम। और हम गंगा धाम में प्रॉमिस करके जाते हैं कि यहाँ पर जब तक तुंगनाथ महादेव जब वापस स्थापित होंगे हम जरूर आएंगे, और गंगा धाम में भी हमारी हाजिरी जरूर लगाएंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से, नीचे बहुत तेजी से उतरना पड़ेगा क्योंकि जब ठंड के कारण यहाँ पर अंधेरा जल्दी होगा, और जो रास्ता है वो बहुत स्लिपरी है, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बर्फ भी है, और अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पर लाइट नहीं है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, और आप मेरे पीछे देखो सनसेट होने के बाद किस तरह से यहाँ पर लालिमा छा गई है, क्या प्यारा एकदम लालिमा लग रही है। और यहाँ पर देखिए आप ये स्नो पिक्स और पीछे बादल एकदम, और है हमारे सामने गंगा धाम चंद्रशिला ट्रैक, कितना प्यारा लग रहा है। एकदम झंडा इतना आराम से अच्छे से उड़ रहा है, और उसके पीछे है हमारे चंद्र देवता। तो चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे नीचे की तरफ। देखो देखो दोस्तों, जैसे जैसे सनसेट हो रहा है और चंद्रशिला ट्रैक पर चांद ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से चांद। और सामने देखिए आप एकदम सनसेट के बाद का व्यू। तो अब व्लॉग करते हैं यहीं पर ही एंड, और आपको मिलते हैं कल किसी नई जगह के साथ। बने रहेगा हमारे साथ नई चीजों को देखने के लिए वर्चुअली। और पीछे का सनसेट देखिए, क्या एकदम ऑरेंज लालिमा आई हुई है पहाड़ों के ऊपर। चलो गुड नाइट, बाय बाय।